फास्ट न्यूज़। सस्रीकाल फास्ट न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत कर दी हां। खबरों की शुरुआत कर दी हां फटाफट अंदाज़ दे विच। पंजाब विधानसभा चोणां दे दौरान हलका भदौर ते चमकौर साहिब तो कांग्रेस पार्टी वालों चोण लड़ रहे साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपना अस्तीफा देने लई पंजाब दे राजपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित कोल पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने अपना अस्तीफा पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित नूं सौंप दिता है। पंजाब च आम आदमी पार्टी सत्ता च आउण जा रही है, जिसने बीते दिन विधानसभा की 117 सीटा चो 92 सीटा ते जित दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अहुदे दे उम्मीदवार भगवंत मान मुख्यमंत्री बनन जा रहे हैं। इस जित मगरों भगवंत मान नूं लगातार वधाईयां मिल रही ने। इसे कड़ी विच साबका क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी भगवंत मान नूं वधाईयां दित्तियां ने। हरभजन ने ट्वीट करदिआं लिखिआ कि आम आदमी पार्टी ते मेरे दोस्त भगवंत मान नूं साडा नवां मुख्यमंत्री बनन ते वधाईयां। यह सुन के बहुत खुशी हुई कि वह भगत सिंह दे पिंड खटकड़ कलां विच नवे मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकणगे। अकाली दल की हुई वड्डी हार तो बाद पार्टी च बगावत भी शुरू हो गई है। टौड़ा परिवार के वारिस पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा के दोतरे ते यूथ अकाली दल बादल के कौमी सीनर मीत प्रधान हरिंद्रपाल सिंह टौड़ा ने अकाली दल की नमोशीजनक हार तो बाद पार्टी के प्रधान सुखबीर सिंह बादल तो तुरंत अस्तीफा मांग लिया। हरिंद्रपाल टौड़ा ने पार्टी की हार लई सरदार बादल के आप खुदरेपन जिम्मेवार ठहरा मांग की है कि बादल हार की जिम्मेवारी लेंदे अपने अहदे तो तुरंत अस्तीफा दे। टौड़ा ने कहा कि बादल की अगुवाई च यह पार्टी की सब तो नमोशीजनक लगातार दूजी हार है। पंजाब ने बादल परिवार की अगवाई कबूलन तो इनकार कर दिता, इसलिए सुखबीर बादल हुण प्रधान दे अहदे ते बने रहने का कोई हक नहीं। विधानसभा चोणां दे नतीजे जिथे सारे धड़ले राजनेतावां नूं हैरानी च पा दिता ते जनता दे आम आदमी पार्टी नूं मिले प्यार दी बदौलत पंजाब सूबे च दिल्ली वांग आम आदमी दी सरकार बनेगी। इस विषय जिथे सारियां विरोधी सियासी पार्टियां वल्लों बंद कमरे चर्चा हो रही, उथे इसकी खुली चर्चा पाकिस्तान मीडिया वल्लों बाद दोपहर तो शुरू कर दी गई, जो कि देर शाम तक चलती रही। सूत्रों तो पता लगे कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की भारतीय पंजाब च विधानसभा चोणां च बहुमत जित के अपनी टिप्पणी च कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब च जेतू प्रदर्शन सूबे दी जनता दी उम्मीदां ते पूरा उतरेगा। पंजाब आम आदमी पार्टी की सफलता तो बाद हुण कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। क्यास यह भी लाया जा रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हुण कौमी पद्धर की राजनीति च कदम रखणगे। पंजाब की सफलता आप लई बेहद महत्वपूर्ण है। पंजाब नूं प्लेटफार्म बना के केजरीवाल कई वड्डे काम कर सकते हैं। हुण यह संभावना भी प्रगटाई जा रही है कि केजरीवाल सीएम अहुदा छड के कौमी पद्धर की राजनीति च खुद नूं स्थापित करन दी प्लैनिंग ते भी काम कर सकते हैं। बेशक यह संभावना ही है, पर पंजाब की जित नाल आपदा जोश वधिया ते पार्टी नूं भी नवी ऊर्जा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के नाल ही भाजपा ने उत्तराखंड गोवा ते मणिपुर च मुड़ तो कमल नूं खिड़ा दिता है। भाजपा ने उत्तराखंड च भावें बहुमत हासिल कर लिया, पर इत्थे पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा रहे पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट तो हार गए ने। उत्तराखंड च कांग्रेस के चोटी के नेता हरीश रावत नूं लाल कुआं हल्के तो हार का मुंह वेखना पिया। गोवा च भी भाजपा मुड़ तो सत्ता विच वापसी कर रही है। गोवा च पार्टी के दोवें उप मुख्यमंत्री मनोहर अजगांवकर अते चंद्रकांत अपने नेड़ले विरोधियों तो चोण हार गए, जदों कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कुछ ही वोटां दे फर्क नाल चोण जित गए। अमरनाथ यात्रा लिए अप्रैल तो तीर्थ यात्रियों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यह ऐलान किया। श्राइन बोर्ड ने अप्रैल तो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम नाल यात्रा लिए तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान करदे कहा कि दक्षिणी कश्मीर के हिमालय खेत्र के तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रियों की आवाजाई लिए RFID आधारित ट्रैकिंग की जाएगी। कनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पोलैंड दौरे दौरान कहा कि यूक्रेन में जंग कारण देश छड्डन वाले लोगों में वध तो वध शरणार्थियों को कनेडा शरण देगा। ट्रूडो ने कहा कि जिंदा रहने लिए अपना सब कुछ पिछे छड़ के देश विचों निकल रहे यूक्रेन के लखा लोगों नू देख साडा दिल दुखी हो जाता है। ट्रूडो ने पोलैंड च कहा कि कनेडा मदद करेगा, कनेडा तुहाडी मदद लिए इत्थे मौजूद है। ट्रूडो ने वारसा विच अमरीका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दे नाल भी मुलाकात की है। ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने सरकार शरणार्थियों नू कनेडा आने की इजाजत देने लिए इमीग्रेशन प्रक्रिया नू तेज कर रही है, जिथे यूक्रेनी मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं। कहते हैं कि किस्मत का सितारा कदों उच्चा हो जाता है, यह कोई नहीं जान सकता। अजिहा ही कुछ भगवंत मान नाल भी होया। पंजाब विधानसभा चोणां 2022 च भगवंत मान की अगुवाई विच आम आदमी पार्टी ने बाकी सारिया पार्टी दी उम्मीदां ते पानी फेर दिता है, पर एक समा अजिहा भी सी जदों सियासत दे अखाड़े विच नवजोत सिंह सिद्धू भगवंत मान दोवें दिग्गज हासे दे मैदान विच आमो सामने हुंदे सन।
तीन खेती कानूनों के खिलाफ किसान अंदोलन दौरान प्रमुख चेहरा रहे किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल सियासी कैरियर की शुरुआत महंगी पई है। सूबे की सियासत में गेम चेंजर की भूमिका निभाने संयुक्त समाज मोर्चा पार्टी दी उम्मीदां ते पानी फिर गया। हालात यह है कि वह अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। हलका समराला तो संयुक्त समाज मोर्चा के उम्मीदवार सन। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जगतार सिंह दयालपुरा ने करारी हार दी है। चरणजीत सिंह चन्नी नूं अपनियां दोवें विधानसभा सीटां ते चमकौर साहिब दे उम्मीदवारां तों सीट हारनी पई है। चोण कमिशन दी वैबसाइट अनुसार चन्नी नूं भदौड़ सीट तों आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवार लाभ सिंह उगोके ने 37,558 वोटां दे फर्क नाल मात दित्ती है। टिकट मिलन तों बाद लाभ सिंह उगोके ने मीडिया सामने कहा सी कि साडे परिवार ने तां हमेशा बस जां रेल दी टिकट ही मसा देखी सी। एमएलए दी टिकट सानूं आम आदमी पार्टी ने दे के गरीबां दी हत्याशी ते पंजाब लई फिकरमंद दा हवाला दिता सी। चन्नी नूं हराउण वाले लाभ सिंह उगोके ने हलका भदौड़ तों ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब च मुबारकबाद उस नूं मिल रही है। देर रात तलवंडी साबो दे बठिंडा रोड ते कार ते इनोवा विचकार रामो सामने टक्कर विच इक पुलिस मुलाजम नौजवान दी मौत दा समाचार है। पुलिस मामले दी जांच कर रही है। जानकारी अनुसार तलवंडी साबो दे सुखजीत सिंह उर्फ लक्की पुत्र जगदेव सिंह वासी तलवंडी साबो पुलिस विभाग विच मुलाजम सी जो कि अपनी ड्यूटी तो वापिस आ रहा सी ते पिंड भागी वादर तो अगे उसकी गड्डी दी इनोवा गड्डी नाल अचानक टक्कर हो गई जिस दौरान उस जख्मी हो गया। जिसके पिछे आ रहे उसके रिश्तेदार ते पत्नी ने उसनु सिविल हस्पताल विच लियांदा तां उसनु डॉक्टरों ने मुढ़ली सहायता देने तो बाद बठिंडा रेफर किया जिस दौरान रस्ते विच ही उसकी मौत हो गई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने देश के पांच राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर बड़ा बयान दिया। गृह मंत्री अनिल विज ने चार राज्यों में भाजपा की जीत की शलाघा की। इसके साथ ही पंजाब के चुनाव नतीजों को लेकर विरोधी धिर से बड़ा हमला बोलिया। अनिल विज ने कहा कि चार राज्यों के नतीजे भाजपा के हक में आए ने। पंजाब में आम आदमी पार्टी को कामयाबी मिली है। अनिल विज ने आप से बड़े इल्जाम लाउंदिया कहा कि आप पंजाब इसलिए जीत रही है क्योंकि पंजाब के लोगों ने दिल्ली दी गलियां च शराब वंडन के हुनर की कदर की क्योंकि पंजाब विच नशियां का बहुत कारोबार हुंदा है। विज ने कहा कि इस नाल पंजाब के हालात होर बिगड़ जाएंगे। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ। धन्यवाद। चढ़दी कला फास्ट न्यूज़।